नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द टर्म टू। कोरोना वायरस की वजह से सभी कामकाज ठप हो चुके हैं, लोग फिर भी अपने काम को स्थापित करने में लगे हैं। इसी बीच मोदी सरकार ने इसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज की बात करें तो इसमें गरीब मजदूर, किसान, छोटे उद्यमी और महिलाओं पर खास ध्यान दिया है। जो महिला अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहती है या अपने स्तर पर पहले से ही कोई उद्योग कर रही है, उनके लिए बैंक्स कुछ खास लोन की स्कीम्स उपलब्ध करा रही है। इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। इस सूची में सबसे पहले हम आपको वैभव लक्ष्मी योजना के बारे में बताते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा वैभव लक्ष्मी योजना के तहत स्वयं उद्यमी महिलाओं, यानी कि जो महिलाएं खुद के नाम से उद्योग करना चाहती हैं, उनको लोन देती है। यह एक तरह का पर्सनल लोन होता है। महिलाओं को उनके प्रोजेक्ट के आधार पर लोन मुहैया कराया जाता है। अभी प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट के आधार पर मतलब कि महिला जो उद्योग शुरू करना चाहती है उसके बारे में पूरी जानकारी दे। जैसे उद्योग किस चीज़ का है, उसमें कितना खर्चा आपको दिख रहा है, खर्चा कहाँ कहाँ लगने वाला है आदि। इस लोन के लिए गारंटर की ज़रूरत होती है। वैभव लक्ष्मी योजना के तहत काम ही नहीं बल्कि घर के सामान खरीदने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। दूसरी जो योजना सरकार की है उसका नाम है स्त्री शक्ति योजना। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने यहाँ महिला खाता धारकों के लिए स्त्री शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि लोन के लिए सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कुछ पहचान पत्रों की ही ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको विस्तृत में जानना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम आपको डिटेल में एक वीडियो बहुत ही सरल भाषा में बनाकर बता देंगे, जिससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर आपका लोन सैंक्शन होता है। स्त्री शक्ति योजना के लोन पर ब्याज में भी 0.25% की छूट भी दी जाती है। तीसरे नंबर पर है प्रियदर्शनी योजना। बैंक ऑफ इंडिया अपने यहाँ से महिलाओं को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यानी कि अति लघु, लघु और मध्यम उद्योग के लिए लोन देता है। इस स्कीम के तहत रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कुछ आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि इसमें भी देने होते हैं। इन सब योजनाओं के संबंध में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ठीक लगती है तो आप और लोगों तक भी इसे पहुंचाएं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत सी महिलाएं कुछ नया करने की ज़रूर सोच रही होंगी। और ऐसी ही जानकारी आगे प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।